हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल वास्फिक्स टेक्नो। आज की हमारी जियो की प्रॉब्लम है। जियो में क्या प्रॉब्लम आ रही है पहले वो देखते हैं, ठीक है ना? ये पहले ही देख लीजिए जियो में क्या प्रॉब्लम आ रही है। पहले प्रॉब्लम देख लेते हैं। टेम्परेचर टू हाई, फोन विल बी टर्न ऑफ इट, टेम्परेचर कीप रिस्किंग। ठीक है, ये प्रॉब्लम आ रही है। तो इसकी प्रॉब्लम आ रही है तो इससे थोड़ी देर बाद फ़ोन क्या हो जा रहा है, अपना भी बंद हो जा रहा है। थोड़ी देर रहने के बाद अपना भी फ़ोन बंद हो जाएगा। तो इस प्रॉब्लम को आज सॉल्व करना बताएंगे हम कैसे सॉल्व कर। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, फ़ोन को ऑन कर लेते हैं, फ़ोन को ओपन कर लेंगे, ठीक है ना? फ़ोन को ओपन कर लेते हैं। बैटरी को निकाल लेते हैं, ठीक है? अब बैटरी की पिनों को चेक कर लेते हैं हम। जो बीच वाली पिन होती है उसको चेक करते हैं, ठीक है ना? बीच वाली पिन को कैसे चेक करते हैं, रेड वाली प्रॉप को ग्राउंड पर रखा, ब्लैक वाली को बीच वाली पिन पर रखा, तो एक साइड से वैल्यू आनी चाहिए, ठीक है? और प्रॉप को चेंज करने के बाद वैल्यू नहीं आनी चाहिए, ये इसकी ओके कंडीशन है, ठीक है ना? ये इसकी ओके कंडीशन है। अगर आती है तो हमारे बोर्ड से प्रॉब्लम है। इसका मतलब हमारी बोर्ड से प्रॉब्लम नहीं है, बैटरी से प्रॉब्लम है। तो बैटरी को हम रिप्लेस कर देते हैं। एक बैटरी पड़ी है मेरे पास जियो की, हम इसको लगा के फिर चेक करके देखते हैं, ठीक है? हमने बैटरी लगाई फिर ऑन करा, अब देखते हैं ऑन हो रहा है। ऐसी कभी भी कोई भी प्रॉब्लम आती है तो सबसे पहले हम बैटरी को ही चेंज करके देखा जाता है, ना कि सीधा बोर्ड पे। सबसे पहले हमें बैटरी को ही चेंज करना पड़ता है। देखिए, अब कोई भी लिखा विखा नहीं आ रहा, टेम्परेचर की प्रॉब्लम नहीं बता रहा है फ़ोन, क्योंकि बैटरी से प्रॉब्लम थी, ठीक है? कभी कभार ऐसा होता है, बैटरी से प्रॉब्लम होती है और हम बोर्ड के पीछे भगते हैं। तो सबसे पहले हमें बैटरी चेंज करके देखनी है इस कंडीशन में, ठीक है? थैंक यू गाइस।